स्वागत है मित्रों यूएफओ किचन में आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का कलाकंद। लौकी के कलाकंद के लिए हमने क्या किया, ये जो लौकी है ये हमारे यहाँ पीछे बगीचे में हुई है और बहुत बढ़िया लौकी हुई है। एक तो ये हमने तोड़ लिया, दूसरी जो हमारी है वो 6 फुट लंबी लौकी है कम से कम, उसको भी हमने निकाला नहीं है। उसको जब तोड़ेंगे तो उसको भी दिखाएंगे आपको, आप देख के दंग रह जाएंगे, इतनी लंबी भी लौकी होती है। तो इसको निकाल लिया है, अब इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से इसको छील लेते हैं, इसका छिलका उतार लेते हैं और फिर इसको काट के और चॉप करेंगे। तो मैं अभी छिलका उतार के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको, तो देखिए छील लिया मैंने, अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में पहले काट के देख लेते हैं कि कैसी है, और ये ऊपर कैसे इसका निकाल देते हैं। ये देखिए, और इसको अब देखिए ऐसे बीच से मैं आपको दिखाता हूँ काट के, ये ऐसे बीच से काट लिया और इसके अंदर हैं बीज बड़े बड़े, तो इसको हम बीज को यहाँ से निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। तो चलिए इसको हम डीसीड करते हैं, इसको ऐसे काट लीजिए बीच से ऐसे, और इधर से भी ऐसे कर लीजिए और उसके बाद इसको निकाल दीजिए। ये देखिए, और बाकी के बीज जो हैं उसको ऐसे आप हाथ से करेंगे या चम्मच से कर लीजिए, वो निकल आएंगे ऊपर ऊपर से। अच्छा देखिए, बीज निकाल लिए मैंने, अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए ताकि चॉपर में चलाने में ईजी रहे। वो बस ऐसे करके इनको टुकड़े कर लीजिए और चॉपर में डालने लायक बन जाए, बस हो गया, ऐसे ही सारा काट लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको काट लिया छोटे छोटे पीसेस में, अब इसको हम चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस कर लीजिएगा, कद्दूकस से भी हो जाता है, कद्दूकस से बढ़िया लंबे लंबे धागे निकलते हैं उसके, अच्छा रहता है। हम इसको चॉप कर रहे हैं, और चॉप करने के पहले एक बार आप इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा। कई बार लौकी कड़वी निकल जाती है तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं कड़वी लौकी से, इसलिए उसको पहले टेस्ट ज़रूर करिएगा, अन्यथा आप पूरा बना लेंगे और बाद में बर्फ़ी कड़वी निकलेगी। देखिए मैं इसको चॉप कर लेता हूँ, चॉपर में बड़ा आराम मिल जाता है, कद्दूकस में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए मैं कद्दूकस नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको चॉप करके निकाल लिया, और क्या बढ़िया हो गया, और इसको पकना है ही है वैसे भी अदरवाइज़, तो ये ऐसा कर लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा करके अब। चलिए तो हमारी चॉप हो गई लौकी बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब इसको मैं एक कढ़ाई चला लेता हूँ, उसके अंदर इसको हम डालते हैं लौकी को, ये देखिए, और इसको भूनेंगे थोड़ी देर तक। इसको थोड़ी देर हम भून लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर शक्कर मिलाएंगे, ताकि इसके पानी में और शक्कर जब गलेगी तो उसके अंदर अंदर ये लौकी पक जाएगी अपनी बड़ी फर्स्ट क्लास। अच्छा जैसे ही थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाए तो इसको चलाते ज़रूर रहिएगा, और इसमें अच्छा खासा पानी छोड़ेगा अभी ये, और इसको फिर आप जैसे ये पकने लग जाए थोड़ी थोड़ी सी, और बस इसको मीडियम पर कर दीजिएगा आँच को इसकी, और इसको पकाइए मीडियम पर आराम से चला चला के। अच्छा ये देखिए 2-3 मिनट ही हुआ है और मीडियम पे पक रहा है, और ये देखिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया इसने अपने बढ़िया, और इसे ज़रूर चला लीजिएगा हर 2-2 मिनट पे, 1-1 मिनट पे, ताकि लग ना जाए कहीं और सब तरह से कलर एक जैसा बना रहे। अच्छा ये करीब 7 मिनट हो गए चलाते हुए इसको, और काफ़ी पानी सूखने लग गया, तब इस समय थोड़ा सा तेज़ करके, चूँकि हम यहीं खड़े हैं और इसको लगातार चलाते हुए इसका पानी सुखाएंगे। ये देखिए ऐसे लगातार छुड़ाते रहिए और चलाते रहिए, और लगना बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा है तो फिर उसकी आँच कम ही रखिएगा, लेकिन अगर आप उसको आँच तेज़ करके जल्दी पकाना चाहते हैं तो उसको पूरा पूरा से चलाते रहिए। ये देखिए इसमें विजिबल पानी ख़त्म हो गया, अब इस समय पे आके क्या करिए, इसको फिर से थोड़ा सा मीडियम पे कर लीजिए और 1 मिनट चला लीजिए, और उसके बाद इसके अंदर अब हम शक्कर डाल देंगे, और शक्कर भी घुल के जब पानी हो जाएगी तो उसके अंदर फिर ये पकेगा, तो उससे क्या होगा कि अच्छी पूरी मिठास ले लेगी लौकी हर तरफ से शक्कर की भी। तो मैं डालता हूँ इसके अंदर शक्कर, शक्कर हमने ली है, ये 1 कप शक्कर है, इसको डालते हैं इसके अंदर। तो ये 1 कप चीनी इसके अंदर हमने डाल ली है, और इसको अब मिक्स करते हैं शुगर को, ये देखिए पाउडर शुगर है, और उसको मिक्स कर लीजिए, और इसकी आँच जो हमने लो कर दी थी अब उसको हम मीडियम पे कर देते हैं फिर। ये देखिए तो अब देखेंगे कि ये इसकी शुगर भी तुरंत ही गल के चाशनी जैसी हो गई है, अब इसको हम सुखाते हैं शुगर को, और इसको अब बिल्कुल तेज़ मत करिएगा और लगातार चलाइएगा, वरना आपकी ये जो शुगर के साथ में लौकी है वो लग जाएगी इसके अंदर। अच्छा इसको अब जैसे जैसे पक रहा है इसको हम ऐसे आधा ढक देते हैं, ताकि जो ये उसका शक्कर उछल रही है वो बाहर ना निकले, और धीरे धीरे इसको पकने दीजिए, लो और मीडियम के बीच में आँच कर लीजिएगा। अच्छा वो हमारी जो लौकी है वो शक्कर उसके अंदर डाल दी थी, अब वो पक रही है धीरे धीरे, उसको पकने दीजिए। तब तक हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए खोआ बना लेते हैं जो मिक्स होगा इसके अंदर का। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये 1 कप दूध ले लिया, ये मैं दूध इसके अंदर डालता हूँ 1 कप, और इसमें थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। ये देखिए इसको उबाल आ गया,
अब इसको एक दो बार ऐसे उबाल दीजिए, एक बार लो करिए इसको, फिर से जब बैठ जाए फिर से उबाल दीजिए, ऐसे दो तीन बार कर लीजिए, और उसके बाद इसके अंदर हम मिल्क पाउडर मिलाएंगे। ये देखिए इसमें हमने तीन चार बार उबाल आ गया, और इसके अंदर अब हम जितना दूध लिया था उसमें एक कप, ये एक कटोरी से नाप के हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें आधा आधा करके डालिएगा, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। इसको मिक्स कर लीजिए आधा, फिर बाकी आधा डालेंगे। अब ये बाकी का आधा भी इसके अंदर डाल देते हैं और उसको मिक्स करते हैं। इस समय आप इसको मिक्स कर रहे हैं, आँच इसकी बिल्कुल मीडियम पे ही रखिएगा, तेज पे मत रखिएगा, ताकि मिक्स करते समय आराम से मिक्स हो जाए। ये देखिए इसके अंदर अब बबल्स आने लग गए। जब बबल्स आने लग जाएँ तो इसके अंदर आप एक चम्मच ये घी डाल दीजिए, शुद्ध घी, और घी डालने के बाद में उसको भी मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इसको लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, और ये देखिए पानी सूखने लग गया इसका लगभग लगभग, तो ऐसे ऐसे लगातार चलाइए। उससे क्या होता है, इसमें थोड़े से दाने भी बिल्ट हो जाते हैं, तो दिखने में बढ़िया दिखने लगता है। ये देखिए इसको, ये अब एकदम जमने लायक बर्फ़ी के जैसे जमने लायक कंसिस्टेंसी पे है, और इसको अब हम उस लौकी वाले उसमें मिलाएंगे, तो अब आपको दिखाते हैं। इसको तो मैं कर देता हूँ ऑफ फ़िलहाल। ये देखिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और फिर वो लौकी वाले की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी लौकी वो शुगर में पक के क्या बढ़िया हो गई है, और कलर भी देखिए कितना बढ़िया है। अच्छा, इस लेवल पे आके लोग इसमें खाने वाला ग्रीन कलर भी मिला देते हैं, लेकिन हम कलर मिलाते नहीं हैं, इसमें मिला नहीं रहे हैं, क्योंकि घर में ही खाना है और अच्छा कलर है इवन अदरवाइज़ भी, तो कोई ज़रूरत नहीं इसमें मिलाने की। अब इस लेवल पर आके आप इसके अंदर ये जो इलायची पाउडर है मेरे पास, इसको डालते हैं थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। ये देखिए बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ खुशबू के लिए डाल रहे हैं, अदरवाइज़ वो कलर भी ख़राब कर देगा आप अगर ज़्यादा ज़्यादा डालेंगे तो। ये देखिए इलायची पाउडर मिला दिया मैंने इसके अंदर, और अब इसके लेवल पे आके इसके अंदर जो हमने वो खोआ बनाया था उसको डाल लेते हैं। ये देखिए ये रखा है खोआ हमारा, इसको इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर मिक्स कर दीजिए, और अब इसको इसके अंदर मिक्स करते हैं। ये देखिए क्या बात है, ये देखिए। और अब इसको मीडियम और लो के बीच में थोड़ी देर तक चला चला के पकाइए। ये देखिए 5-6 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, और अभी और थोड़ा सा भूनेंगे, जितना भूनेंगे उतना बढ़िया स्वाद आएगा इसका। और चूंकि हमने उस समय घी डाल दिया था एक चम्मच, तो लगेगा नहीं नीचे, बस ऐसे चला चला के लेकिन बनाते रहिएगा उसको। अच्छा, ये 3-4 मिनट और हो गए पकाते हुए, और ये देखिए ऐसे दाने दाने दिखने लगता है, ये पहचाने की पक रहा है, और धीरे धीरे एकदम दानेदार हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। अच्छा देखिए, ये सारा पानी इसका निकल गया, ये दानेदार बन गया है, और इसमें से हल्का हल्का सा घी छूटने लग गया है, इसका मतलब ये पक गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालते हैं जमाने के लिए। तो इसको निकालने के पहले ये मैंने जिस प्लेट में इसको जमाना है उस प्लेट के अंदर मैंने घी लगा लिया है थोड़ा सा, ताकि ये चिपके ना, और उसके बाद इसके अंदर मैं इसको डिश आउट करता हूँ। ये देखिए अब इसको हम प्रेस कर करके इसके अंदर जमा देते हैं इसको। ये देखिए स्प्रेड कर लीजिए पूरे इसमें, इसको ऐसे दबा दबा के प्लेन कर लीजिए, और जितनी साइज़ का रखना है आपको उस साइज़ का रखिए, इसकी मोटाई उसकी, और बस इसके अंदर फिक्स कर लीजिए इसको, और इसके ऊपर से थोड़ा प्लेन कर देता हूँ मैं इसका। ये देखिए अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके अंदर लगाते हैं। तो ड्राई फ्रूट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ बादाम है, कुछ बादाम फ्लेक्स हैं, कुछ पूरे पूरे वाले बादाम हैं, उसको काट लिया है हमने, और उसको इसके ऊपर हम डालते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको आप दबा लीजिए इसके ऊपर से बादाम को, और उसके बाद इसको थोड़ा देर रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद उसको हम फ्रिज में रख के 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे, और जब ये जम जाएगी तब फिर निकाल के आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए, हमने इसको डिश आउट कर लिया है पेपर मोल्ड के अंदर, और क्या बेहतरीन बन के आए लौकी के कलाकंद। तो फिर आप भी बनाएं और खिलाएं लौकी के कलाकंद, खाने वाले कहेंगे आप तो कर दोगे हलवाइयों की दुकान बंद। तो फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ में बहुत जल्दी, इंतज़ार कीजिएगा। ऐसी ही शानदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे।